हम उस गांव के वासी हैं, इंसाफ जहां पर रोता है। हम उस गांव के वासी हैं, इंसाफ जहां पर रोता है। अर्ध नंगे कृषक सोते हैं, बच्चे भूखे रोता है। खोजता है धनेश्वर महतो, कहाँ है जयराम महतो। पूछता है बीएनबी जगन्नाथ, कहाँ है जयराम महतो। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बीएनबी स्टूडियो। आज इस बीएनबी स्टूडियो में ऐसी दुख भरी दास्तां लेकर के आया है। कहां से? डुमरी विधानसभा क्षेत्र से, निमिया घाट थाना क्षेत्र से और पोरदास पोस्ट से, गुरुटाड़ गांव से। बताते चले कि ये दुख भरी दास्तां क्या है। हम लोग बात करेंगे धनेश्वर महतो से, जो ढूंढ रहा है जयराम महतो को कि कहां हम जाए। अभी जमुआ भी जाकर के आए, जमुआ में कार्यक्रम था टाइगर जयराम महतो का, वहां भी गए और जब तक गए तब तक पता चला कि जयराम महतो चले गए। ये ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं पाते हैं। उनको ढूंढ रहे हैं तो बीएनबी एक माध्यम है। हंगामा खड़ा करना बीएनबी का मकसद नहीं है, बस सूरत और ये सीरत बदलनी चाहिए। कोई मदद कर रहे हैं तो उनको मदद करने वाला चाहिए, ये बीएनबी का मकसद है। तो आज जो देख पा रहे हैं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से दो शख्स आए हैं। एक हमारे इधर आप देख पा रहे हैं, इधर मिश्रिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं, ग्राम लोरंगो के हैं, डुमरी विधानसभा क्षेत्र के हैं और डुमरी थाना कौन सा आपका? डुमरी थाना के हैं और ये निमिया घाट थाना से हैं। दोनों अलग अलग समस्याओं को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे पहले आज धनेश्वर महतो, जो पोरदा कोष्ट के अगुरुटाड़ ग्राम से आए हैं। बताया जा रहा है कि इनका जमीन बकौती हुक्मनामा, जमीन के जहाँ घर बना हुआ था उनको तोड़ दिया गया है और कुछ लोगों के द्वारा घर भी बना दिया गया। हालांकि अभी बीएनबी पूरी तरह नहीं दिखा पा रहा है कवरेज, इनका घर टूटा हुआ, लेकिन इनकी बातों को सुनकर मैं बता रहा हूँ। अधिक जानकारी हम लोग इन्हीं से लेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। बताया जा रहा है कि थाना और अनुमंडल हर जगह ये आवेदन भी दे चुके हैं और परेशान है, और इसकी लड़ाई आज से नहीं चल रही है जमीन की, जंगल और जमीन के लिए जहां झारखंड लड़ रहा है। बिल्कुल सही बात कहा है किसी ने, जब भी जिसने भी कहा है। आप देख पा रहे हैं 20 वर्षों से यह कृषक अर्ध नंगे, मतलब ये कपड़े नहीं पहनते ऐसे, और इसी स्थिति में यह रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? गौशाला बनाना। इन बातों को लेकर के जब इन्होंने दुख भरी दास्ता बीएनबी से सुनाया तो मुझसे रहा नहीं गया और यह पब्लिश में कर रहा हूं ताकि इसको इंसाफ मिले, मदद मिले। आखिर क्या है मामला, हम लोग इन्हीं से बात करेंगे। आपको प्रणाम हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत प्रणाम। जयराम तो नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे। अच्छा, क्या आपको परेशानी आ गई बाबा, जो आप इतने परेशान है जमीन के लिए? इसके लिए जो आवेदन है इसमें से बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं कर रहे, प्रशासन भी जो है नहीं कर रहे हैं और प्रशासन रह के घर का दीवार बनवा रहे हैं। आप सबसे पहले नाम बताइए बाबा आपका, क्या शुभ नाम हुआ? धनेश्वर महतो। पिताजी का नाम? बिहारी महतो। कौन से गांव से आप हैं? गुरुटांड से। थाना कौन सा है? निमिया घाट। और जिला गिरिडीह? जिला गिरिडीह। और कौन सा विधानसभा पड़ता है आपका? डुमरी विधान, डुमरी विधानसभा से पड़ता है। तो आप ये इंसाफ वहाँ पूरा डुमरी विधानसभा में कोई देने वाला आपको नहीं मिला? नहीं मिला अभी, कोई तक नहीं मिला? नहीं मिला। एक जयराम महतो पर उम्मीद है आपको? उम्मीद है, लेकिन वो मिल नहीं पाए। मिलने तो उनसे आप मिलना चाहते हैं? मिलने चाहते हैं। तो देख पा रहे हैं पूरे रूहान से होकर के, भावुक होकर के अपनी व्यथा को सुना रहे हैं। ऐसे शख्स को अगर मदद मिलती है तो निश्चित रूप से, इंसाफ मिलती है तो निश्चित रूप से वो इंसाफ दिलाने वाले पुण्य के भागी होंगे। आप देख पा रहे हैं अपर समर्था भी ये दे चुके हैं, श्री अनुमंडल पदाधिकारी भी दे चुके हैं आवेदन। और जमीन का एक्चुअली इनका मामला है और जमीन इनका मतलब लूटा जा रहा है, यूं कहा जा सकता है, और ये आवेदन दे करके परेशान है। और क्या कहना चाहते हैं आप, खुद ही कहें बाबा लोगों को, दर्शकों को और जयराम महतो को। अगर जयराम महतो जी अगर देख पा रहे हैं इस वीडियो को तो ऐसे शख्स को मदद की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। और इनका उद्देश्य गौशाला, गायों की रक्षा करना, हिंदू सनातन धर्म के प्रति और एक इंसानियत के प्रति, तो बहुत अच्छे कार्य भी ये करने जा रहे हैं, ऐसे में इनको मदद मिलनी चाहिए। क्या बात है, आप बोलिए, आप लाइव पर बताइए क्या समस्या है इसमें। देखिए 2017 में पूरा घर आके घर के मार गया, फिर भी पुलिस जो है आवेदन बनाया हुआ, कुछ भी अभी तक जांच पड़ताल भी नहीं किया और सारा चीज इसी तरह प्रशासन से करवा रहे हैं। आपके साथ मारपीट भी हुआ था? पूरा जबरदस्त इसमें अभी। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल का रिपोर्ट कार्ड है आपका? ये हॉस्पिटल का रिपोर्ट। थाना में आवेदन दिए थे बाबा? दिए थे। इसमें से प्रशासन बोला जो जिसका जमीन जोत रहा है वही खाएगा। अच्छा, ये थाना, यही आपका चिकित्सा प्रभारी का रिपोर्ट है, इसमें क्या दिया गया है थोड़ा सा दिखाइएगा। माथा के पीछे गहरा जख्म,
अंदरूनी शरीर में मार का शिकार, आपको जख्म भी पूरा हुआ था पीछे पीछे लगा था, पेशा टांगी से मारा गया भी था। तो आवेदन दिए थे तो कोई पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुआ उसके पीछे। आप क्या चाहते हैं बाबा, आप क्या चाहते हैं? ये पेपर ऊपर क्या है आपका, थोड़ा दिखाइएगा क्या है पेपर में, कटिंग उटिंग में कुछ आया क्या, घटना का जिक्र आया क्या? घटना का इसमें सुन नहीं, और दूसरा है देंगे आगे, और इसका सारा विवरण देंगे है। तो कैसा जमीन है, हुक्मनामा जमीन है आपका, हुक्मनामा बंदोबस्ती दादा के नाम कौन पर ये है। मारने के लिए जो आपको परेशान कर रहा है कौन, कहाँ, गांव के लोग हैं आपके? ये गांव के लोग कुछ है, और दूसरे गांव को भी एक करमा टुंगरी गांव का है, नगरी पंचायत का है, वो आके मतलब बराबर 30-35 आदमी आके मारपीट हमेशा करते आए वहां हमें। के मुखिया वगैरह कोई मदद नहीं कर कोई पाया, बिल्कुल मदद नहीं करता। मुखिया भी बोल रहा है कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, वो लोग कोई जमीन दिखा रहे, किस अधिकार पर कह रहे वो कि कोई जमीन मेरा है, अधिकारी नहीं, लाठी का बदौलत से वो दिखा रहा है। कभी भी सिर्फ आदमी लाठी के भरोसे। तो सिर्फ लाठी का भरोसा, आपको कोई मदद करने वाला उधर कोई नहीं कोई मिला? नहीं आपके मिला। परिवार में कौन कौन है और? परिवार में हमारे सभी परिवार में है, लेकिन सबको फोड़ के रखा है, दारू पिला देता है किसी को, आपके भाई वगैरह को? भाई वगैरह कितने का है। भाई होते हैं आप? हम लोग 3 भाई होते हैं। आप बिहारी मौतों के 3 पुत्र हैं, हाँ आप तीन कौन सा पर नंबर में है, छोटा नंबर छोटा सबसे बच्चा? छोटा? दो वाले को वो सेट कर लिया, वही सब दो को सेट कर लिया वो तो, उस लोग सब का भी तो जमीन जा रहा है ना जा बाबा, रहा है, लेकिन उसको दारू में गम नहीं है, उसको कोई गम नहीं कोई है, गम नहीं। उसमें पार्टी में मिल गया है क्या वो सब मिल आदमी? गया है एक बड़ा भाई जो है, वो भाभी जो है से मिल गया, उनके साथ में मिला लिए हैं। कितने जमीन का मामला है, लगभग कितना चार जमीन? एकड़ 26 डिसमिल का है, हमारा रसीद भी कटा हुआ है 2003 तक। 2003, तो उसके बाद क्यों नहीं कटाया? उसके बाद रजिस्टर 2 में इन लोग छेड़खानी कर दिया कि रजिस्टर 2 बंद कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, बीएनबी के माध्यम से मदद तो नहीं हो सकता है, जानकारी और सूचना और आदान प्रदान हो सकती है, और हम चाहेंगे कि हमारी सूचना अगर आप लोगों तक, जनप्रतिनिधियों तक, प्रशासन के पदाधिकारियों तक, और सबसे खास बात है कि जयराम महतो तक, अगर जयराम महतो को बहुत याद कर रहे हैं और आप इनको देख पा रहे हैं, आंखों में वो आंसू छलक पड़ा है, थोड़ा क्लोज कर दिए, आंसू आंखों में आंसू छलक पड़ा है बाबा का, और इनको कहना है कि जयराम महतो से इनको काफी उम्मीद है, सबसे उम्मीद इनका लगभग टूट चुका है पूरा ना बाबा, बिल्कुल जयराम महतो पर उम्मीद है। तो देख पा रहे, जयराम महतो के ऐसे भक्त हैं, ऐसे लोग हैं चाहने वाले, जिन्हें जरूरत है जयराम महतो टाइगर, तो याद कर रहे हैं धनेश्वर महतो, आप इनकी सुने और इनकी मतलब जो समस्या हो समाधान करें, या उम्मीद आपसे लगाए बैठा है, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को मदद करनी चाहिए और इंसाफ मिलनी चाहिए। अगर अगले पक्ष से हमारी कोई बात मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है, और जहां तक हमने बाबा से सूचना प्राप्त किया वो आपको बताया और आपको दिखाया, कुल मिलाकर के इन्हें जयराम महतो की तलाश है, जयराम महतो से इनको मिलना है, जयराम महतो से इनकी उम्मीद है। अब वो उम्मीद वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं, ये वक्त बताएगा, तब तक आप बने रहे बीएनपी के साथ, क्योंकि बीएनपी सच है तो बोलेगा, जय हो, जय जय हिंद, सत जय में जयते, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ हर खबर असरदार, मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है, जी हाँ तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा, बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।